नमस्कार प्यारे बच्चों, विनिंग एज स्टडी पॉइंट ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग 11 मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थर्ड क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स तो नहीं लेकिन फॉर्मूले आज हम करेंगे। और इसका क्या कारण है बच्चों, ये फॉर्मूले सबसे पहले करने का, क्योंकि आप सभी को 10th क्लास में ये बात पता चल चुकी है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले उसके फॉर्मूलों के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो उसके फॉर्मूलों को आज हम एक एक करके काफी डिटेल में भी सीखेंगे, और कुछ हमारे जो पीछे 10th क्लास में फॉर्मूले थे उनको भी रिवाइज करेंगे, ठीक, और कुछ नए फॉर्मूलों को भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो क्लास होने जा रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इस क्लास के बाद आपके सामने जो भी क्लासेज आएंगी उसके सारे न्यूमेरिकल आप चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फॉर्मूले लिखना। तो बच्चों, आपके सामने पहला फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, 10th क्लास का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला था, अगर याद हो बच्चों आपको, ये देखा होगा आपने, साइन थीटा। थीटा याद है आपको, एंगल होता है, ए बी सी कुछ भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं, है ना बच्चों, समझ में आ रहा सभी को, ठीक। तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ में कॉसेक थीटा, यही था। और सेम इसी कंटेंट का हमने क्या देखा कि अगर हम कॉसेक का उल्टा, अगर साइन का उल्टा 1/ कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा, 1/ में साइन थीटा, यही होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/ में सेक थीटा। तो भाई जब ये कॉस का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल 1/ में सेक थीटा है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/ में कॉस थीटा। इसी प्रकार बच्चों, टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा 1/ कॉट थीटा। और साथ ही साथ एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद आया, ठीक। चलिए, और इसी प्रकार बच्चों, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, 1/10 थीटा, ठीक है। और जब इसका उल्टा ये हो गया तो ये भी पलट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने ये कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। और बच्चों, अब इन फॉर्मूलों में कई सारी बातें और छुपी हैं, अब देखना वो सारी बातें आपके सामने धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूलों में आपको मैं कुछ और भी चीजें दिखाता हूं, जैसे ये देखिए, इसके बाद एक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटीज थी इसमें। अब आइडेंटिटीज क्या थी, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी भाई, कहाँ, 10th क्लास में, जिसमें अब हम धीरे धीरे अब रूल बनाना शुरू करेंगे। देखिए क्या, अगर मान लीजिए मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो प्यारे बच्चों हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है उठा के उस तरफ ले जाएंगे, किसका बन जाएगा, माइनस का। तो हम साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बना चुके हैं, 1 - cos² θ। इसी प्रकार अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला चाहिए तो हम साइन स्क्वायर थीटा को वहां लेके जाएंगे और 1 - sin² θ हो जाएगा, सही बात है, देख लीजिए हो गया, बन गया फॉर्मूला। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसी प्रकार आपके पास सिकेंड स्क्वायर थीटा -tan² θ बराबर 1, एक ये फॉर्मूला भी था, जिसमें अगर आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेकर आइए, वो प्लस का बन जाएगा, सही बात है, ठीक। अच्छा, लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्लस के 1 को उठा के इस तरफ ले आइए, सही बात। अब देखिए, आपका टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इस तरीके से, ठीक। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं दो बातें और करना चाहता हूं, क्या बातें करना चाहता हूं, जैसे इस साइन स्क्वायर थीटा को देखिए बच्चों आप,
अगर आपसे बोल दे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, और क्या करना है, स्क्वायर को उठा के उस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो हमारे पास सिर्फ साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, अंडर रूट 1 माइनस cos² थीटा। इसी प्रकार अगर इसके लिए भी बात की जाए, तो cos² थीटा है, स्क्वायर उठा के इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस sin² थीटा। देखिए बना फॉर्मूला, और जब उसके लिए फॉर्मूला बन चुका है, तो इधर भी फॉर्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है, स्क्वायर उठा के इस तरफ ले जाइए, तो secant थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan² थीटा। पल्ले पड़ रही बच्चों आप सभी को, सेम केस बच्चों यहां पे भी ऐसा ही है, ठीक, कि आप अगर इसका स्क्वायर इसे देंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट sec² थीटा - 1, और ये आ गया tan थीटा। क्या मेरे सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो चुकी है? तो बहुत ही सिंपल कंटेंट है बच्चों, बस आपको देखना है और उसे यहां पर समझना है। इसी प्रकार बच्चों फॉर्मूले अगर मैं आपके सामने ध्यान दिलाऊं, तो एक फॉर्मूला ये भी हुआ करता था, cosec² थीटा - cot² थीटा इज इक्वल टू 1, यही होता था बच्चों। अच्छा अब प्यारे बच्चों, अगर मैं cosec² थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, तो ये माइनस वाली चीज उस तरफ आएगी और क्या बन जाएगी बच्चे, प्लस। तो यानी cosec² थीटा की वैल्यू हमने क्या देख ली बच्चों, 1 प्लस cot² थीटा। लेकिन बच्चों अगर हम सिर्फ और सिर्फ cosec थीटा की वैल्यू निकालना चाहें यहां से, तो स्क्वायर इस तरफ आकर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अंडर रूट। तो cosec थीटा के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 1 प्लस cot² थीटा, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार बच्चों अगर मैं cot² थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को ट्रांसफर करके यहां लेकर आऊंगा, और वो हमें कुछ दिखने में इस प्रकार से दिखाई देगा, हां कि ना, हां जी बच्चों। चलो यहां पे समझ में आया, तो देखो cot² थीटा क्या बन चुका है, cosec² थीटा - 1। और प्यारे बच्चों अगर हमें सिर्फ cot थीटा की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर इधर आ गया और ये क्या बन चुका है, अंडर रूट। तो लीजिए cot थीटा की वैल्यू भी हमने यहां से फाइंड कर ली। तो ये सारी बेसिक बातें थी जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, और बच्चों इन्हीं फॉर्मूलों से हम कई सारे क्वेश्चनों को टैकल करना शुरू करेंगे, और ये बड़े इजी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के भाई मदद कर देगा, ठीक। तो ये आपने फॉर्मूले पहले पढ़ रखे थे, बस इन फॉर्मूलों को एक बार फटाफट नोट कीजिए। अब मैं इसके बाद अगले फॉर्मूले की तरफ चलने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है। उसको सीखने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के काफी हद तक के पहलुओं को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि वही आपका एक बेसिक प्लस सबसे हाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के देगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ। तो बच्चों अब हम आते हैं कुछ नए फॉर्मूले पे, जो रिलेटेड हमारे ये सारे फॉर्मूले, जो ये हमारे फॉर्मूले से रिलेटेड, वो 10th क्लास के ही कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड है, बस एक नया वर्जन है, एक नया टाइप है, जिसे हमें बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक। इन फॉर्मूलों की संख्या, नंबर ऑफ फॉर्मूले लगभग 48 है, लगभग क्या 48 है। आप खुद सोचने में हैरान में होंगे, यार 48 फॉर्मूले हैं, ये तो याद करने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत परेशानी हो जाएगी, कितने, वैसे ही फॉर्मूले बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, और 48 फॉर्मूले, ये तो याद करना भाई इम्पॉसिबल वाली बात हो गई, बड़ी मेहनत लगेगी, बहुत परेशानी होगी। तो चलिए उस परेशानी को बस कुछ ही मिनट में आपके जिंदगी से दूर कर देते हैं, ठीक। और आपको वो फॉर्मूले आपके टिप्स पे याद होंगे कि हाँ जी ये दिख गया, आंसर ये होगा, ठीक। तो जरा अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए और फिर इसका मजा लीजिए। तो ले भाई शुरू करते हैं बच्चों। आपके लिए सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेंट बनाना चाहता हूं, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए क्वाड्रेंट बनाए, हिंदी में इसे
चतुर्थांश कहा जाता था। जो बच्चे 10th में हिंदी मीडियम के होंगे तो उनके लिए मैं ये बता दूं, इन्हें चतुर्थांश कहा जाता था। अच्छा बच्चों, क्वाड्रेंट मतलब चार पार्ट्स में बटा हुआ, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा अब मैं आपको यह भी बता दूं, किसी भी एंगल की शुरुआत कहां से होती है प्यारे बच्चों? 0 डिग्री से। उसके बाद हर एक क्वाड्रेंट कितने कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो ये 0 से 90, अब 90 से आगे बढ़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 180। 180 से आगे बढ़ोगे, 90 ऐड करो, 270। 270 से आगे बढ़ो तो यानी 360। मतलब जब आप 0 से घूम के वापस यहां पर आएंगे तो 360। क्या सर्कल ऐसे ही बनता है? बिल्कुल। सर्कल कैसे बनेगा भाई? ये पॉइंट अगर 0 पे है, बस इसको ऐसे धीरे 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 शुरू करो, 360 पे घुमा दो, पूरा एक सर्कल क्रिएट होता है। ऐसे ही होता है। तो बच्चों इसी प्रकार 0 डिग्री से चल के हम 360, और इसी पे बार बार घुमाते रहो तो नए 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 एंगल्स क्रिएट होते चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब जरा इस बात को पहले समझ लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है कि भाई जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं, जितने भी, कौन कौन, साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कॉसेक थीटा हो, चाहे कॉट थीटा हो, चाहे सेक थीटा हो, इन सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जरा ध्यान से देखना मैंने लिखा क्या है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इन सभी की वैल्यू कौन? देखो ध्यान से इन बात को सुनना, क्योंकि यही बातें आपको वहां पर सही और गलत का फैसला करके देंगी। ठीक है। हाँ तो क्या है बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने कंटेंट लिए, रेशो लिए, ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशोज की वैल्यू कौन? वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो ये कहां से कहां तक था भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल आएंगे जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक है। अच्छा अब कुछ बच्चे कहते हैं कि 0 पे आ जाए तो क्या होगा, 90 पे आ जाए तो क्या होगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो तो वो फर्स्ट में तो होंगे ही होंगे। ठीक है। बाकी जब 0 पे होगा और 90 पे होगा तो क्या करेंगे, वो भी सिचुएशन बताई जाएगी, टेंशन मत लो। अच्छा अगला अगला आता है सेकंड क्वाड्रेंट। जिस प्रकार फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट में, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? अभी 2 मिनट पहले बताया था, जल्दी बताओ। कॉसेक थीटा। ठीक है। तो कॉसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा और उसी का उल्टा कॉसेक थीटा। प्यारे बच्चों इनकी वैल्यू ना पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये खुद पॉजिटिव नहीं है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और बाकी जो 4 बच गए, कॉस थीटा, सेक थीटा, देख रहे हो उसका उल्टा, टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, इन सभी की वैल्यू कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट होता कौन है? तो जब भी एंगल, जब भी कोण, एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा तो बस वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन बाकी 4 की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। पल्ले पड़ रही है बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। नेक्स्ट किस पे आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है। अब यहां पे भी थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और उसी का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। बच्चों इनकी वैल्यू तो आपको मिलेगी पॉजिटिव, लेकिन जो बाकी के 4 बच गए, साइन थीटा,
कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, इन सभी की वैल्यू प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे पहचानेंगे थर्ड क्वाड्रेंट को? जो भी एंगल 180 से 270 के बीच में आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है? वो थर्ड क्वाड्रेंट है। मेरे सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद तो आप जादूगर बन जाओगे। 2 मिनट में बस देखोगे क्वेश्चन और फटाक से आंसर। ठीक, अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए बच्चों। मेरे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक और इसी का उल्टा सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। पहली बात तो ध्यान से सुनेंगे, पॉजिटिव होती क्या है? वैल्यू। क्या पॉजिटिव हो रही है? जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है वैल्यू। वैल्यू हमेशा क्या चीज होती है? जो चीज लिखा जा रहा वो नहीं, वो जो अपने से प्रोड्यूस करेगा, जो भी रिजल्ट दिखाएगा उसी को हम बोलेंगे क्या भाई? वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब बाकी कौन बच गए? साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और सॉरी सेक थीटा नहीं, टेन थीटा और कॉट थीटा। इन सभी की वैल्यू कैसी होगी प्यारे बच्चों? नेगेटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कौन? जो 270 से 360 के बीच में हो। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन है, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन है? ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन से हैं? सभी बच्चे एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। सेकंड क्वाड्रेंट कौन है? जो 90 से 180 डिग्री के बीच में हो। थर्ड क्वाड्रेंट कौन है? जो 180 से 270 के बीच में हो। सिक्स्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है? कौन सा है जो 270 से 360 के बीच में हो। ठीक, अब बात आती है पॉजिटिव की। तो फर्स्ट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन सोचते ही उसी का उल्टा सोच लो कॉसेक, उसकी वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव। थर्ड में टेन, टेन सोचते ही उसी का उल्टा सोच लो कॉट, उसकी वैल्यू पॉजिटिव, बाकी चारों की नेगेटिव। फोर्थ में कॉस सोच लो, कॉस सोचते ही उसका उल्टा भी सोच लो सेक, उनकी वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव। ठीक है, तो ये है हमारे समझने का तरीका। और अब एक रटा रटाया ज्ञान जो कि दुनिया का हर टीचर, ठीक है, इस चीज को अपनाता है और बच्चों को सिखाता है। ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा सुविधाजनक भी है इसलिए टीचर इसमें थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे क्या? इसको एक शॉर्ट फॉर्म से याद करते हैं। कैसे? ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो मतलब क्या है यहां पे? ऑल का मतलब सब पॉजिटिव, स्कूल का मतलब एस से साइन और कॉसेक, ठीक है, साइन और कॉसेक, ठीक, स्कूल से साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव। टू का टी से टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और कॉलेज, कॉलेज का सी से कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लोग भाई पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन मुझे कोई इतना इफेक्टिव लगता नहीं। अगर बच्चा इसी को बहुत अच्छे से समझ ले तो उसके बाद तो उसे कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये सब फालतू के शॉर्टकट सीखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो लीजिए भाई, एक ये भी एक नया ब्रांड आया हुआ है, हाँ जी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, लीजिए सीख लीजिए। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको सीखेंगे तो माइंड में ज्यादा बैठेगा कि कितने एंगल के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट, कितने एंगल के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कौन सॉरी गलत बोल दिया, किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव, किसकी वैल्यू नेगेटिव। तो ध्यान रखना वैल्यू से मैटर है यहाँ पे। पल्ले पड़ गई बात, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो इसको बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा, ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद जो मैं अब नेक्स्ट पढ़ाव इसका लेके चलूंगा वो बड़ा ही अद्भुत होगा और बड़ा ही मजेदार होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको उतार लीजिए। तो बच्चों नोट करने के बाद अब हमारे सामने अब एक नई चीज आती है कि हम फॉर्मूलों को किस प्रकार से लिखना शुरू करें। जो वो 48 फॉर्मूले थे हमारे सामने, वो कैसे लिखे जाएं, तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले तो मैं आपको आपके 10th क्लास की याद दिलाता हूं कि आपने अपने 10th क्लास में एक ये चीज सीखी थी,
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, याद आया कुछ? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और क्या रह गया? साइन कॉसेक, है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए, ये हमने 6 फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़ लिए थे, और मोस्टली आप लोगों को यही बोला गया था, मोस्टली बच्चों से, कि भाई इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से मिलेगी, डिस्क्राइब जो किया जाएगा इन फॉर्मूलों को, वो 11th क्लास में किया जाएगा, 10th में सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं और पुट करके आंसर निकालना है। तो चलिए, आज वो समय आ गया है कि इसको किस प्रकार से हम समझेंगे। तो बच्चों, अभी अभी मैंने आपके लिए क्वाड्रेंट तैयार किया था, जिसमें हमने ऑल स्कूल टू कॉलेज के बारे में भी बात की। भाई आप समझ गए होंगे कि स्कूल और कॉलेज और टू कौन है ये। अच्छा, अब बच्चों एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपको एंगल कितने प्रकार के दिखाई दिए थे? 0, 90, 180, 270 और 360, सही बात है? तो बच्चों आपको ना दो दो एंगल पकड़ने, क्या दो दो एंगल, जैसे बच्चों 90 और 270 को रख लो, 90 को और 270 को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि बच्चों अगर 90 और 270 आपको दिखाई दे जाते हैं, अगर एंगल में 90 और 270 आपको दिखाई दे जाते हैं, तो आप पता है यहां पे क्या करेंगे? आप यहां पे करेंगे चेंज, आप यहां पे क्या करेंगे? चेंज। और अगर बच्चों आपको 180 और 360 आपको दिखाई दे जाता है, तो इसमें क्या करेंगे आप? नो चेंज। समझ रहे? अच्छा, अब ये चेंज और नो चेंज जो है, ये क्या बवाल है, क्यों पढ़ना पड़ रहा भाई, क्या रीजन है इसका? तो जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ग्राफ सेक्शन को पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें इसे एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। जब आप सभी अपने आगे के एंट्रेंस एग्जाम के लिए करेंगे, तो तैयारी करेंगे, तब आपको इस ग्राफ को भी समझना पड़ेगा। ग्राफ में इसमें भी समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको एक बात यह देखनी है कि अगर एंगल में आपको 90 और 270 दिखाई दे रहा है, तो रिजल्ट को चेंज करके लिखना है, ठीक है। और अगर 180 360 दिख रहा है, तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना, उसको वैसा ही बना के चलना है। जैसे इसको रखते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब 90 में से कुछ ना कुछ जरूर माइनस करेंगे, करेंगे कि नहीं? अच्छा, 90 में से कुछ भी माइनस अगर हम करते हैं, कुछ भी माइनस करते हैं, तो माइनस करते ही हम लोग कहां आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में बड़ी खुरापाती आ गई होगी, कुछ भी माइनस करते हैं, हाँ जी, लो जी सर, हमने 90 में से ना 100 माइनस कर दिया, माइनस 10 आ गया, कहां है यहां पे? या तो शुरुआत ही जीरो से हुई है। तो बच्चों आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जो भी क्वाड्रेंट में जाएंगे, जिस भी क्वाड्रेंट में जाएंगे, आप 90 से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, 90 से ज्यादा आप माइनस नहीं कर सकते, वरना फिर उसके क्वाड्रेंट के होने का फायदा ही क्या है? समझ रहे हो आप बात? तो हमेशा ध्यान रखना आपको कि आप 90 से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते, तो 90 से कम माइनस कर सकते हैं आप। जैसे अब ये 90 माइनस थीटा, मान लीजिए मैंने ले लिया 90 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा? अपने आप 60 पे आ जाएगा, समझ रहे हो? तो देखो, तो जैसे ही 90 में से आप कुछ भी का मेरा मतलब क्या होगा यहां पे कहने का, कि 90 से कम, ठीक है। अच्छा, तो 90 में से आपने कुछ भी माइनस किया, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सबकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। सबकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और अब आगे आते हैं इस बात पे, क्या एंगल में हमें 90 दिखाई दे रहा है बच्चों?
90 दिखाई दे रहा है, हैं? अब जब 90 दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो बस बात खत्म। साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से माइनस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में से माइनस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, वैल्यू तो ऑल सभी की पॉजिटिव होती है, तो लो जी पॉजिटिव है, 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कर दिया कॉस। फिर से एक बार, कॉस 90 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बता रहा हूं, पहले क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर क्या चेक करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कैसी होगी, कॉस की वैल्यू, तो ऑल है पॉजिटिव, तो है पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, फिर क्या चेक करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद हां जी क्या देखेंगे, चेंज है कि नहीं, चेंज है या नहीं, ये चेक करेंगे, तो भाई अगर 90 है तो क्या होगा, चेंज, तो कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में, ठीक है। अब यहां देख सकते हो आप, टेन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव, चेंज होगा, बिल्कुल होगा, 90 है कॉट में, कर दिया। सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट में सेक की वैल्यू ऑल है पॉजिटिव, ठीक है, चेंज होगा, बिल्कुल होगा, 90 सेक है तो किस में चला जाएगा, कॉसेक में, कॉट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैल्यू पॉजिटिव, चेंज बिल्कुल होगा, किस में, टेन में। इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कैसे, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी पॉजिटिव होती है और चेंज होगा 90 की वजह से, किस में, सेक में, क्लियर हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, अब क्या चलते हैं हम नेक्स्ट पड़ाव पे, हां जी, साइन 90 माइनस थीटा चल रहा था ना, अब 90 प्लस थीटा करेंगे प्यारे बच्चों, 90 प्लस थीटा करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनना, ये बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज्यादा, ये देखिए, ये लीजिए, फिर से लिख दिए छे, अच्छा क्वाड्रेंट चेक करना है, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था, 90 से ज्यादा आप माइनस नहीं कर सकते, तो जब 90 से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते तो 90 से ज्यादा प्लस भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप, 90 से ज्यादा प्लस भी नहीं कर सकते, 90 से ज्यादा माइनस भी नहीं, तो 90 से ज्यादा प्लस भी नहीं, ठीक। तो अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब जरा मुझे जल्दी से बता दो बच्चों कि जैसे ही आप 90 में कुछ प्लस करोगे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है, कुछ प्लस का मतलब यहां पे क्या है, 90 से ज्यादा प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि 90 से जब कम ही रखोगे तो किस में रहेगा, वो सेकेंड में ही रहेगा, थर्ड में जाएगा ही नहीं, ठीक। अच्छा तो हमने क्या बोला भाई कि 90 प्लस थीटा, तो 90 में जैसे ही आप कुछ प्लस करोगे क्वाड्रेंट कौन सा होगा, वो सेकेंड, 90 में जैसे ही आप कुछ प्लस करोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, वो सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई साहब साइन और कॉसेक की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है लेकिन बाकी सबकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो चलिए तो शुरू करते हैं गेम, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्या चेंज होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 90 है तो चेंज हो गया कॉस थीटा, ठीक है। अगला कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, हां जी 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड, वैल्यू कॉस की कैसी होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगी, अच्छा चेंज होगा, बिल्कुल होगा, 90 है तो साइन। अच्छा अब मेरे कुछ प्यारे बच्चों को एक बहुत बड़ी उथल पुथल अपने दिमाग में लग रही होगी कि सर अभी 2 मिनट पहले आपने कहा था कि भाई साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में और आपने यहां पे कॉस पॉजिटिव कर दिया, यहां पे आपने बोला था कि कॉस नेगेटिव होता है लेकिन आपने यहां तो साइन नेगेटिव कर दिया, ये क्या खेल खेल रहे हो हमारे साथ, मतलब कुछ भी आप कुछ भी बोलोगे हम सुन लेंगे, तो भाई थोड़ा सा सुन लो क्योंकि जरूरी भी है, ठीक है। अब वो क्यों जरूरी है तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने ये शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया कि साइन पॉजिटिव है, मैंने ये शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया कि कॉस पॉजिटिव है, मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किए हैं, शब्द इस्तेमाल किए हैं
साइन की वैल्यू, यानी जो भी वो वैल्यू देगा। तो साइन ने वैल्यू इस टाइम पे कॉस दी है, किसकी वजह से? 90 की वजह से, क्योंकि 90 की वजह से क्या आया है? चेंज आया है, इसलिए कॉस की वैल्यू साइन आई है। ठीक है, किसकी वजह से? 90 की वजह से, क्योंकि 90 पे क्या करते हैं? चेंज करते हैं। पल्ले पड़ रही है बात? क्लियर हो रहा है? ठीक, इसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा, हां जी 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट है। टेन की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, लेकिन 90 है तो चेंज होगा। इसी प्रकार sec 90 प्लस थीटा, फिर से वही सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू माइनस 90 है तो चेंज होगा। अच्छा, cosec 90 प्लस थीटा। अब cosec भाई देखो, जब साइन पॉजिटिव है तो cosec भी, तो उसकी वैल्यू भी तो पॉजिटिव होगी, तो cosec की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन 90 है तो चेंज। cot 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव, 90 है, चेंज होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब लीजिए, हाँ जी। अब बच्चों, जब मैं 90 प्लस थीटा करके सेकंड में जा सकता हूं, तो 180 माइनस करके भी तो जा सकता हूं। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा। लो जी, ये छे के छे हमने यहां पे लिख दिए। ठीक है, अब दिमाग चलाना है। ठीक है, अब अपने दिमाग चलाना शुरू करेंगे हम। हाँ जी, क्या सीखा था? जब 90 माइनस थीटा किया था तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार 180 माइनस थीटा करेंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो भी क्या रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि भाई बात हम कम से कम दो चार बार कर चुके हैं कि ना ही हम 90 से ज्यादा माइनस कर सकते हैं और ना ही हम 90 से ज्यादा प्लस कर सकते हैं। तो जब 90 से ज्यादा माइनस ही नहीं कर सकते, तब तो रहेगा किसमें? सेकंड में ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, अब देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा। हाँ जी, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। अभी अभी बताया कि भाई ये सारा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चल रहा है, ये सेकंड के लिए चल रहा है, ये भी सेकंड के लिए चल रहा है। ठीक है, तो 180 में से जब कुछ माइनस करते हैं तब भी किसमें रहता है? सेकंड में। तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, किसकी वैल्यू पॉजिटिव? साइन की वैल्यू। अच्छा, लेकिन अब की बार एंगल देखो क्या है। यहां पर एंगल था आपका 90, लेकिन यहां एंगल क्या है? 180। तो क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। तो आंसर क्या बन गया? साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 180 होने की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इसी प्रकार कॉस 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। हाँ जी, कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, लेकिन 180 है तो नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा। फिर tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन 180 है, नो चेंज। फिर cot 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव, लेकिन 180 है, नो चेंज। 180 माइनस थीटा cosec में पॉजिटिव वैल्यू और 180 है तो नो चेंज। इसी प्रकार 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में sec की वैल्यू नेगेटिव, 180 है तो नो चेंज। सभी बच्चों समझ में आ गया? देखो है ना इजी लग रहा है, नकली किस्म का। चलिए अब आते हैं साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, प्लस करते ही क्वाड्रेंट कहां भाग जाएगा? 180 में प्लस किया, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। हां कि ना? हाँ जी, थर्ड में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं तो प्यारे बच्चों गेम शुरू करते हैं ना। थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है? टू, टू का मतलब टेन और cot, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी नेगेटिव। चलिए शुरू करते हैं। तो 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड
थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन 180 है तो नो चेंज। कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव लेकिन 180 है, नो चेंज। टेन में 180 प्लस थीटा, हाँ जी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन 180 है, नो चेंज। कॉट में भी सेम, थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू पॉजिटिव 180 है, नो चेंज। 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, सेक की वैल्यू नेगेटिव लेकिन 180 है, नो चेंज। कॉसेक 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव लेकिन 180 है तो नो चेंज। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको ये टैकल करना है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? और देखिए इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, साइन 270 माइनस थीटा, हाँ कि ना? अरे भाई 270 में से भी तो 90 से कम माइनस कर सकता हूं, तब भी तो थर्ड में ही रहेगा। तो साइन कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा और सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है? पल्ले पड़ रही है बात? तो अब मुझे नहीं लगता कि आप इसमें घबराओगे कुछ भी करने में, बड़े आराम से कर दोगे। साइन 270 माइनस थीटा, अरे ये भी थर्ड क्वाड्रेंट ही है मेरे बच्चों। कैसे? क्योंकि भाई 270 में से भी 90 से कम ही माइनस करोगे तो किस में रहेगा? थर्ड में ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव, 270 है, चेंज होगा किस में? कॉस में। हाँ जी 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, 270 है, चेंज होगा। पल्ले पड़ रहा है? 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन 270 है, चेंज हो जाएगा। फिर इसमें भी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, 270 है, चेंज हो जाएगा। सेक 270 माइनस थीटा, हाँ जी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सेक की वैल्यू नेगेटिव, 270 है, चेंज कर दो। फिर वही इसमें 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, थर्ड में कॉसेक की नेगेटिव, 270 है, चेंज कर दो। तो बस ऐसे सिंपल सिंपल काम करना है। फिर इसके बाद आप 270 प्लस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फोर्थ में, ठीक है? इसको नोट करो, आगे बताता हूं फिर मैं। तो लीजिए बच्चों अब 270 प्लस थीटा पे आगे बढ़ते हैं। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा और सेक 270 प्लस थीटा, ठीक है? अच्छा अब जैसे ही हम 270 प्लस थीटा करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। और फोर्थ में तो भाई कॉलेज, कॉलेज का कॉस और सेक इनकी वैल्यू पॉजिटिव और बाकी सबकी नेगेटिव, ठीक है? चलिए तो साइन 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव लेकिन 270 है, चेंज हो जाएगा। कॉस 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन 270 है तो चेंज हो जाएगा। याद रखना कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव नहीं, कॉस की वैल्यू। 10 270 प्लस थीटा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 की वैल्यू नेगेटिव, 270 है, चेंज रहेगा। कॉट 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट की वैल्यू नेगेटिव, 270 है, चेंज हो जाएगा। कॉसेक 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ, कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव, 270 है, चेंज हो जाएगा। कॉसेक सेक 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक की वैल्यू पॉजिटिव, 270 है, चेंज हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है? अच्छा अब जब 270 में प्लस करके हम फोर्थ में जा सकते हैं तो 360 में माइनस करके भी तो फोर्थ में रह सकते हैं, क्योंकि ना ही 90 से ज्यादा प्लस ना ही 90 से ज्यादा माइनस। तो यानी साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा और sec 360 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों? चलो सॉल्व करते हैं इसको। sin 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट बोलो, क्वाड्रेंट फोर्थ,
फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव लेकिन 360 है तो नो चेंज, 360 में नो चेंज, तो साइन थीटा कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, 360 है नो चेंज, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव, 360 है नो चेंज। बस इन्हीं सारी चीजों को बोलते रहो, लिपसिंग करते रहो, चुटकियों में याद होंगे फॉर्मूले, चुटकियों में 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, वैल्यू कॉट की नेगेटिव, 360 है नो चेंज। हाँ जी कॉसेक 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है जी 360 है नो चेंज। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेक की वैल्यू पॉजिटिव, 360 है नो चेंज। खत्म कहानी हो गया। एक लास्ट और रह गया क्या, कि भाई अगर 360 से एंगल बड़ा हो जाए ठीक है तो क्या करेंगे। ठीक तो उसके और भी स्टेप है, लेकिन अगर 360 से सिर्फ 90 के आसपास ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो बस हमें यह करना होता है साइन 360 प्लस थीटा, समझ रहे हो, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, और क्या है कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा और कॉसेक 360 प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों आपके सामने अब रिजल्ट हाजिर है, कैसे प्लस थीटा, तो लीजिए भाई जब प्लस थीटा करेंगे तो मैंने क्या बताया, ना ही 90 ज्यादा ऐड, ना ही 90 ज्यादा माइनस, तो 90 ज्यादा ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में वापस आ जाएंगे, वापस किस में आ जाएंगे हम, वापस फर्स्ट में आ जाएंगे, वापस किस में आ जाएंगे फर्स्ट में। 360 में आप जैसे ही 90 से ज्यादा कुछ भी 90 के आसपास ऐड करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा भाई, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और 360 है तो क्या होगा नो चेंज, यानी सारे के सारे सेम। पल्ले पड़ रहे बच्चों, है बिल्कुल इजी सरल, बताओ टेंथ से भी आसान लग रहा है, बस दिखने के हैं कि इतने सारे फॉर्मूले हो गए, क्या फॉर्मूले हैं एक मिनट में याद हो गए। ठीक तो बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, अगर लॉजिक पता है ना तो फिर तो झंडे गाड़ दोगे मैदान में वहां एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई क्या है ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है लाओ भाई कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ा दो, हाँ जी सर क्वेश्चन करके थके नहीं अभी तक हम, और क्वेश्चन दे दो 50-60। ठीक तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको चुटकियों में सॉल्व कर देना है। तो बच्चों आज मैं कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूले बताने आया था, और मैंने अपना आज काम ये पूरा कर दिया कि कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो मेरे को बताने थे आज, वो मैंने बता दिए। अब इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मैं करवाऊंगा। तो बच्चों आपको इसको बड़े ध्यान से सीखना है, बहुत प्यार से सीखना है, तो इन फॉर्मूलों को नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। मैं यहाँ पर टेस्ट भी लूंगा बच्चों से, मैं पूछूंगा भाई एक एक बच्चा अपने फोन में जब क्लास देखेगा तो बताएगा मुझे कि हाँ जी जब ये लिख दिया तो तुरंत इंस्टेंट क्वाड्रेंट वैल्यू और फिर चेंज होगा कि नहीं, तुरंत ये माइंड में रखना है। तो कौन सी ये तीन बातें बताई मैंने, क्वाड्रेंट वैल्यू और फिर चेंज होगा कि नहीं, तो ये बातें करके बार बार उसके लिपसिंग कर करके इनको याद करना है। ठीक है आप देखोगे 2 से 3 बार में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है तो चलिए आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, उसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल और इसका एक बचा हुआ पड़ाव भी आगे खत्म कर लेंगे। तो ये जो काम होगा हमारे लिए ये NCERT के 3.2 के लिए हम काम करेंगे। ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।